20,000 कर्मचारी लिए हैं मुखिया, घूस लिए हैं तो हमको दिए हैं तो नहीं दिए हैं। अगर मैडम देखा जाए तो इस पंचायत में काम जो है कागज पर ज्यादा हुआ है और धरातल पे कम हुआ है। हमारा अथी न रहा, नल का न सुनलिए, अभी तक घर है न रहता चला दे छी तो हम सबको पानी गया, हमको पानी नहीं गया। तो घर वाले में 6 साल से नाम है, 3 बार फोटो खींच के ले गया, 1 बारी भी हमको घर का पैसा नहीं मिला। समस्या यही है हमारे ऊपर। बहुत ही बदलाव ठीक है, एक भी पोखरी का आज तक सुंदरीकरण नहीं हुआ है, 4-5 पोखरी का पैसा फूल के फूल उठ गया। हमको हमारे लोग के कुछ नहीं दिए, ना तो मिट्टी का तेल मिला अभी तक, ना तो कोई राशन मिला है, ना कोई इंदिरा आवास मिला है, ना कोई लेट्रिन। हम अपना शौचालय अपने हाथ से अपने पैसे से बनवाए हैं, हम लोग डूब रहे हैं, इसको नाला होना चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डी न्यूज़ के खास कार्यक्रम पंचायत का रिपोर्ट कार्ड में, और मैं हूँ रूपाली। पिछले कार्यक्रम में आपने बिलारी पंचायत के माली हालत को आप सबों ने देखा। आज हमारी टीम समस्तीपुर जिले के हरपुर भिंडी पहुंची है, हमारी सहयोगी आकांक्षा ने भी पंचायत की आम जनता से बात करनी। क्या कुछ बताए जनता अपने जनप्रतिनिधि और पंचायत के बारे में, जानते हैं। यह मोरवा प्रखंड का हरपुर भिंडी पंचायत है और यह है इस पंचायत की मुखिया रंभा कुमारी, और जनाब ये है मुखिया जी के पति सुरेंद्र राय। मुखिया जी नाम के मुखिया हैं, पंचायत का सभी कामकाज यही देखते और करवाते भी यही हैं। इस पंचायत में कुल 13 वार्ड हैं। पंचायत के लोग मुखिया पति से भयभीत रहते हैं। वर्तमान मुखिया के प्रति इससे पूर्व 10 वर्षों तक मुखिया रह चुके हैं। यहाँ के लोगों का बताना है कि इस पंचायत में थोड़ा बहुत काम हुआ है, बाकी सब भगवान भरोसे हैं। इस पंचायत के लोगों की शिकायत ये है कि पंचायत के प्रतिनिधि तो पंचायत में आते ही नहीं, उनके पति पंचायत की देखभाल करते हैं और जो चाहते हैं वही करते हैं। इस पंचायत की मूलभूत समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या सड़क की है। लोगों का बताना है कि उनके घर तक 21वीं सदी में भी कच्ची सड़कें हैं। लाख कहने के बावजूद भी मुखिया जी ने उनके घर तक जाने के लिए सड़क नहीं बनवाया। वही लोग की शिकायत यह है कि पैसा देने के बावजूद भी इंदिरा आवास नहीं दिया गया, महीनों दौर के थक हार कर जाना ही छोड़ दिया। जल नल योजना भगवान के भरोसे है, कहीं पाइप है तो नल नहीं, कहीं नल है तो जल नहीं। शौचालय योजना तो लगता है कि इनके पंचायत में अभी आया भी नहीं है, मानो सभी काम कागज पर ही हो चुका है। गाँव में लोगों से पूछने पर पता चला कि इस गांव में कई पोखर भी हैं, जिस पोखर के सौंदर्यीकरण का पैसा उठा लिया गया है और पोखर को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। एक घर के लोगों के हाथ में 15 साल गांव की कमान सौंपा, फिर भी विकास नहीं। बाकी आइए देखते हैं गांव की जनता अपने जन प्रतिनिधि के बारे में क्या सोचती है और क्या बोलती है। डी न्यूज के खास कार्यक्रम पंचायत रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं आकांक्षा निधि। नमस्कार, इस वक्त मैं हूं समस्तीपुर जिला मुख्यालय से 26 किलोमीटर दूर मोरवा प्रखंड के हरपुर भिंडी गांव में। यहां कुल 13 वार्ड हैं। यहां की वर्तमान मुखिया हैं रंभा देवी। इनके पति सुरेंद्र राय पिछले 10 वर्षों से यहां के मुखिया रह चुके हैं। एक ही परिवार ने 15 सालों से इस पंचायत की कमान संभाली है। अभी मैं जहाँ मौजूद हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं सड़क की स्थिति क्या है। ये सड़क मेन रोड से जोड़ती है, यहाँ 3 सड़कें हैं जो मेन रोड से जोड़ती हैं, और आप स्थिति देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि विकास बहुत स्लो रेट से इस गांव में आ रही है। तो चलिए इस पंचायत के लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है मुखिया को लेकर, उनके कामों को लेकर, और क्या इस पंचायत में विकास हुआ है। तो चलिए बात करते हैं लोगों से। वार्ड नंबर 2 में यहाँ के लोगों से जानते हैं कि उनकी मूलभूत समस्याएं क्या हैं, जो अपने मुखिया के कामकाज से खुश है या नहीं। एक नंबर हम लोग आ रहे हैं, लेकिन घर नहीं आया। आप अपने मुखिया घर से खुश हैं? मुखिया घर से हम लोग का घर नहीं आया है, एक नंबर वार्ड है। क्यों नहीं आया, कारण क्या है? कारण क्या है, किस क्यों नहीं आया? मुखिया जी, मुखिया जी कहीं आएगा तब ना देंगे। मुखिया जी बोलते हैं कि मुखिया जी बोलते हैं तो मुखिया जी का दवा आएगा तो ना। क्या नाम?
क्या नाम है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम किशोर सर। आप क्या सीखना चाहते हैं? ये हो जाएगा बोलो, सब अपने है गांव के समस्या। एक बात और भूलिएगा, हम का बाथरूम नहीं है। ये सब बोलिए, अब होगा। हम लोग का बाथरूम नहीं है। क्या हम लोग का बाथरूम नहीं है? एक नंबर वार्ड है। शौचालय एक मूलभूत जरूरत होती है, वो नहीं है। हमको भी शौचालय नहीं है। हम लोग का हमको शौचालय नहीं है। घर तो बोलिए, बोलिएगा तभी मिलेगा। क्या समस्या है मुखिया से आपका? अभी कोई आदमी नहीं बोलिएगा, सिस्टम से बोलिए भैया, सिस्टम से बोलिए। शौचालय यार नहीं है, बाथरूम है, ये नहीं है। शौचालय बताया नहीं मुखिया से। आया भर दिया, सब बोल रहा कि आएगा आएगा, अभी ला नहीं आया। उसको लगा आप बताना। चलिए तो यहाँ एक माता जी बैठी है, इनसे जानते हैं कि मुखिया जी के कामों से खुश हैं या नहीं। लरिया देवी। घर कहाँ है आपका? भिंडी। अच्छा, तो मुखिया जी के कामों से खुश हैं, कर रहे हैं विकास आपके गांव में? विकास है ना, तो रोड रास्ता तो बनबे करे हैं। एगो हमारे का नल जल पानी नहीं है। नल जल पानी नहीं है और शौचालय? शौचालय नहीं है। तो दो मेन चीज है, मूलभूत जरूरत है, पानी और शौचालय दोनों ही नहीं है। तो मुखिया जी के कामों से आप खुश तो नहीं होंगे फिर? कितना खुश हो था। माता जी आप कुछ कहना चाहेंगी? मुखिया जी के कामों से खुश हैं? आपके घर शौचालय है कि नहीं है बताइए। मुखिया जी काम करते हैं आपके घर में? शौचालय है, नल जल योजना है, घर मिला है? कथी कही हमारा नाम ऐसे। आप बताइए बाबा। बढ़िया है। हाँ, बोलिए। अरे हाँ, आप मुखिया जी के काम से खुश हैं? मुखिया जी आपके घर में शौचालय दिए हैं, पानी दिए हैं, नल जल योजना? हाँ। आप अपने पंचायत की मूलभूत समस्याओं के बारे में बताएं। जी बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। हम ये कह रहे हैं ठीक है मुखिया जी, जहाँ तक जो जिसको किए हैं उसके बारे में, लेकिन अपना बारे में हमको हमारे लोग के कुछ नहीं दिए। ना तो मिट्टी का तेल मिला अभी तक, ना तो कोई राशन मिला है, ना कोई इंदिरा आवास मिला है, ना कोई लेटरिन। हम अपना शौचालय अपने हाथ से अपने पैसे से बनवाए हैं ठीक है जी। इस हमारा कोई तरह के कोई मुखिया से कोई या चाहे अपना केंद्र सरकार से कोई हमको माने कोई मुआवजा नहीं मिला, ना कुछ हम जानते हैं एक रुपया। बल्कि हमारे 1500 रुपया हम दे चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं मिला। कन्या विभाग, लड़की के शादी वाला कोई फॉर्म भराया, कुछ नहीं मिला। मुखिया जी के पास आप अपनी समस्या लेकर गए हैं? बिल्कुल, 100 बार गए हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं आएगा आएगा आएगा, अभी तक नहीं आया, कुछ नहीं आया। पूरा 5 साल बीत गया, अब चुनाव भी आने वाला है। साल खत्म होने वाला है, अब तो दूसरा चुनाव होने वाला है। तो इस बार चुनाव में क्या आप वोट किसको देने वाले हैं? वोट तो हम तो उनके लिए हम बहुत कुछ किए थे, लेकिन अब हमारे पास क्या ही नहीं। जब हमारे को कुछ नहीं मिल रहा है तो हमें क्या, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। आपका नाम क्या है? विनोद राय। यहाँ लोगों को नल जल योजना को लेकर बहुत समस्याएं आ रही हैं, किन्हीं के यहाँ नल नहीं है, किन्हीं के यहाँ नल है तो पानी नहीं आता है समय से। तो आप वार्ड सदस्य हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे वार्ड में अभी तक के पैसा पूरा नहीं हुआ, जितना पैसा आया उतना हम काम कर चुके हैं। मुखिया जी के कहते हैं तो कहते हैं मार्च भर रुक जाइए, 31 मार्च के बाद आपको खाता पर पैसा जाएगा, काम शुरू होगा। बस और कोई विशेष प्रॉब्लम, पैसे नहीं तो हम काम कथी से करा देंगे। हम लोग डूब रहे हैं, इसको नाला होना चाहिए। 31 मार्च तो आज ही है, तो आज कुछ मुखिया जी कुछ काम आगे बढ़ाएं। तो आइके कल से न बढ़ाएंगे, तो बेचारा कहते हैं 31 मार्च तक रुक जाइए, उसके बाद पैसा आएगा। मार्च में ऑडिट होता है, ऑडिट के बाद आपको खाता पर पैसा जाएगा, काम आगे बढ़ेगा। तो बिना पैसे के जब मुखिया जी कैसे काम कर दे, चाहे हम कैसे काम कर देंगे। वार्ड में कितना काम बचा हुआ है? वार्ड में अभी पाइप लगाना नहीं हुआ है, जितना पैसा मिला है उतने काम, स्ट्रक्चर प्लस बोरिंग उतने राशि मिला। मुखिया जी और आप लोग ये आम लोगों की समस्याएं आकर सुनते हैं? हाँ सुनते हैं, जो आम लोग कहते हैं वो मुखिया जी करने के लिए तैयार हैं, जब क्या होता है वो करते हैं। तो क्या मुखिया जी सब कुछ कर दें?
विरोध क्यों कर रहे हैं लोग? बहुत से लोगों की शिकायतें हैं कि काम नहीं हुआ है, तो कौन काम चाहिए बोलिए? शौचालय नहीं है और पानी नहीं है, तो सबसे मूलभूत जरूरत। शौचालय तो धीरे धीरे सबको दे ही रहे हैं, जैसा ही काम आता है तैसा ही मुखिया जी कर ही रहा है। जहाँ तक मिलाता है तो पब्लिक भी काम करता है, मुखिया जी भी काम करा ही। ये 2021 है, अगर अभी भी किसी के घर में शौचालय नहीं है तो आप सोचिए आपका पंचायत कितना पीछे है। अरे 1% भी नहीं छूटा, 1% सबको खाता पर पैसा आएगा तब ना सब बना सकता है। ये भी बताइए, एक सबको खाता पर पैसा आ जाएगा तब ना सब बनाएगा। 21 तक क्यों नहीं आया खाता? तो ऊपर का देगा तब ना मुखिया जी डालेगा तब नहीं आएगा पैसा। मुखिया जी को हम काहे विरोध कर देंगे कि मुखिया जी नहीं देता है पैसा, अगला देगा। नाम क्या है? हमारा नाम ललित नारायण राय, 3 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य। क्या नाम है? राजा सहनी, वार्ड 3। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है जो हमको घर वाले में 6 साल से नाम है, 3 बार फोटो खींच के ले गया, 1 बार भी हमको घर का पैसा नहीं मिला। समस्या यही है हमारे ऊपर। कारण क्या है? अब कारण हमको क्या पता है? मुखिया जी के पास गए आप ये अपनी समस्या को लेकर? हम गए थे। क्या बताएं? नंबर आएंगे तो देंगे। आज तक हमको नंबर नहीं आया है 6 साल में। हमको से जो पीछे पीछे का जिसको नाम आया उसको घर मिल गया। शौचालय है? शौचालय कुछ भी नहीं है। तो आप मुखिया जी आपको लगता है काम नहीं कर रहे हैं आपकी पंचायत में? हमको क्या पता है जो मुखिया जी काम करता है कि नहीं करता है, हैं? आपको मिला ही नहीं, चुनाव आने वाला है तो आप अभी वोट देने वाले हैं मुखिया जी को या किसी और को देने वाले? हम किसी को वोट नहीं देंगे इस बार। बहुत गुस्से में है। अच्छा। कहना चाहेंगे कुछ मुखिया जी से? कुछ बोलना चाहेंगे कि आपका काम बोलना चाहेंगे? मुखिया जी से हम बतियाएंगे ना बाद में ना, अभी ना इलेक्शन आने वाला है ना, मुखिया जी को बता देंगे इलेक्शन में। अभी हमको बोलने से क्या फायदा होगा? ठीक है, धन्यवाद। इस वक्त मैं हूँ हरपुर भिंडी के पंचायत भवन में और हमारे साथ हैं पूर्व मुखिया व वर्तमान मुखिया पति सुरेंद्र राय। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। तो चलिए जानते हैं कि इनके पंचायत में कितना विकास हुआ है। देखिए, हम 10 साल अपने भी मुखिया रहे हैं, इस समय हमारी पत्नी है मुखिया रंभा कुमारी। तो जो भी सरकार ने राशि उपलब्ध कराई उसका भरपूर उपयोग, सकारात्मक उपयोग किया गया है। जहाँ सड़क की आवश्यकता है सड़क बनाया गया है, गली की आवश्यकता है गली बनाया गया, PCC की जरूरत है PCC किया गया है, जल नल का कार्य भी लगभग सब वार्ड में हो गया है। कुछ 2-3 वार्ड है जहाँ राशि की कमी के कारण कार्य पूरा नहीं हुआ है, और जिस वार्ड में राशि उपलब्ध करा दिया गया वहाँ पर पानी चालू है और कुछ काम बचा हुआ है जो कि काम जारी है, लगा हुआ है। जी, आप जिन जहाँ जहाँ विकास आपने किया है आप उस पर कुछ चर्चा कर सकते हैं, कुछ हमें बता सकते हैं? बता सकते हैं, जैसे कि जितना भी लोग को पेंशन से वंचित, आधार कार्ड से मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन शुरू की। पहले APL VPL के कारण बहुत सारे लोग को पेंशन नहीं मिल पाता था, उनको पेंशन दिलाने का काम किए। अभी अब लगभग नहीं के बराबर लोग बचे हुए हैं, जिनका उम्र नहीं पूरा है वही बचे हुए हैं, नहीं तो शेष लोग के हो गया है। कुआँ है तो जो योजना आई थी उसके मुताबिक कुआँ बनाया गया, ठीक। और पंचायत सरकार भवन के लिए प्रपोजल दिया हुआ है, क्योंकि पहले ज़मीन उपलब्ध नहीं था, अब प्रपोजल ज़मीन उपलब्ध हो गया तो प्रपोजल उसका दिया गया है। CO स्तर से रुका हुआ है काम, NOC जैसे ही मिलेगा काम आगे बढ़ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ थे पूर्व मुखिया व वर्तमान मुखिया पति, उन्होंने हमारे साथ अपने पंचायत के विकास के बारे में बातें की। इस वक्त मैं हूँ हरपुर भिंडी पंचायत के सड़क के किनारे जहाँ कुछ लोग जमा हैं। तो चलिए जानते हैं इनसे इनके मुखिया के बारे में। आपका नाम क्या है? लखन पाटना। आप अपने मुखिया के बारे में बताइए, उन्होंने कितना विकास किया है? बहुत किए, हम कहाँ बता दें, हमको बुढ़ापा में बहुत कुछ किए हैं। जी, कुछ क्षेत्र जिसमें आपको लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया आप बताना चाहेंगे? और आप में से कोई बताना चाहता है कि आपके पंचायत में कितना विकास हुआ है, किन किन मुद्दों पर? बहुत मुखिया जी, हमारे पंचायत में बहुत रोड सड़क से लेके ग्राम पंच, बहुत मतलब विकास में हम लोग का कमी नहीं है, हर चीज़ में हम लोग का विकास वो दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाबा, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हम बोलाई छी, हमरा कोई चीज के कमी न हो, न दिले हकिन कमी।
अपने पंचायत के विषय में कुछ बताइए। कौची बतलाऊ, ठीक है सब सही है। हाँ, स्कूल, सड़क, नल जल योजना, इंदिरा आवास, किसी भी चीज पे कोई शिकायत नहीं है मुखिया जी से? कोई शिकायत नहीं है। नाम क्या है? आमिर चंद पासवान जी, आप बताइए। सही है सब कुछ, नल जल है, रोड है, गली गली में सड़क है। तो आप लोग बहुत खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। यहाँ सब फर्स्ट क्लास है, मुखिया जी से सब खुश है, कुछ मूलभूत समस्याएं नहीं है कि नहीं की? नहीं है, नहीं। कुछ नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। सड़क जाने वाला रास्ता, सड़क से आपको दिक्कत है? वो नल का ना है, नल का पानी भरा। हाँ, तो आप जोर से बोले, यहाँ से मुखिया जी के पास आपकी बातें जाएंगी। सब चीज पूरा है, वो है दो खाली जाया वाला रास्ता है। तो जैसा आपने देखा कि यहाँ सड़क और एक नलका की प्रॉब्लम है, तो ये थे हमारे पंचायत के लोग जिन्होंने अपने मुखिया जी के बारे में बताया है। तो चलिए इस पंचायत की महिलाओं से भी बात करते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं। जी, आप में से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, हमारा अथी नहरा नल का ना है, सुनलिए, अभी तक घर है न रहता चला दी को याद। कारण क्या है? आप मुखिया जी से आपको शिकायत है, क्या कारण है जी? आइए बताइए, आप बताइए। घर के हक न जा टोला प्रसार से कैसे न जाते, आ नलका न जाए, सबके नलका गया, हमारा नलका न गया। कारण क्या है इसका? कैसे हमारा घर बना तो हमारा पाइप कट जाता। हेलो, हाँ पाइप कट जाएगा, घर नहीं जाएगा, हमारा घर कहाँ बनेगा? जा जाकर देख लो, उसमें जाकर वहाँ जा। और सरकारी सुविधा है? कोई सरकारी अथी नहीं, सरकारी सुविधा आवास मिला, आवास याद नहीं मिला, मिलते तो घर ना बनते रहे। जाकर देखो ने हमारा घर कहाँ है, इसे घर है हुआ रोड है हियाँ, तो वही माँ घूम कोता घूम का वही माँ नौ बजे तम की करो, लोग में एक तक कोई नलका जा ही ना दिलखिन, आ दूरी माँ के नलका जा देते हैं। देखो जाकर तनु नवा लोग में है एक कोना का, वह पानी हुआ पहुँच गया, हमारा वह पानी नौ जा दिल। मुखिया जी ने प्रयास किया कि आपकी शिकायतें दूर हो? हाँ हाँ, मुखिया जी हकिन लगा ले जोर, हाँ अपना ई टोला पड़ोसा के आदमी न जा दे। जी, आपकी क्या समस्याएं खुलकर बताएं? समस्या हमको है पानी का और रास्ता का। तो मुखिया जी से आपको ये समस्याएं हैं? मुखिया जी से समस्या नहीं है, लेकिन मुखिया जी सोल्व भी नहीं करते हैं, मुखिया जी सोल्व भी नहीं करते हैं। तो आप अपनी समस्याएं आप लोग लेकर जाते हैं मुखिया जी के पास कि हमारी ये समस्या है, तो क्या रिस्पॉन्स आता है? मुखिया जी से पूछ लीजिए, जाते हैं मुखिया जी के यहाँ, लेकिन फिर वो आदमी को तरफ अगर मुखिया जी इशारा करते हैं तो वो आदमी मतलब ना छोड़ के हाँ कभी नहीं कहता, जो पानी जाने देंगे यहाँ रहता है। कारण क्या है इसका, आपको क्या लगता है? कारण तो हमें कोई पता नहीं लगता, हम सबको पानी गया, हमको पानी ही नहीं गया। तो इसमें मुखिया जी ने कुछ किया आपकी समस्या को? नहीं हुआ सोल्व मुखिया जी से, नहीं हुआ, नहीं हुआ जी। आपका नाम क्या है? प्रमोद पासवान जी। घर? हरपुर भिंडी। वार्ड? वार्ड 7। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 4 में हूँ और इस पोखरी का सौंदर्यकरण करना था, जो आप देख सकते हैं मुखिया जी ने क्या काम किया है, सौंदर्यकरण आपको दिख रहा होगा। तो चलिए यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि कारण क्या है। कारण यही है जी कि मुखिया जी को सौंदर्यकरण करना था, पैसा कितना उठा हुआ नहीं उठा हुआ, गाछ वृक्ष जो तार उड़ कटाया था सौंदर्यकरण के लिए कटाया था, थोड़ा मिट्टी उट्टी के लिए झोपड़ी उपड़ी भी हटा दिया गया था, लेकिन ये फिर झोपड़ी हटा करके फिर काम स्थगित कर दिया गया है, इसलिए इलेक्शन का माहौल था, इसलिए लोग अपना अपना काम दब करके ही कर रहे हैं। देख लीजिए नज़र के सामने आप लोगों के, ये क्या सुंदरीकरण किया गया है, ये रोड टूटा हुआ है, कम से कम इस पर राविस अगर डाल देते तो पब्लिक के चलने के लिए तो अच्छा रहता, ये बारिश के मौसम में किसी का मोटरसाइकिल कूद जाता है, इसमें किसी का पैर छल के टूट जाता है, इसलिए जब 15 साल की रीजन मुखिया जी का रहा, इसमें वो कुछ नहीं किए, ये पर्सनल 4 नंबर वार्ड के लिए।
उनका 10 साल अपने रहा, 5 साल पत्नी रहा, इसलिए कम से कम ये रोड को राविश भी गिरा देते तो ये 4 नंबर वार्ड की जनता के लिए आने जाने के लिए तो सहूलियत तो हो जाता, लाखों लाख रुपया इधर इधर हो गया, लेकिन ये रोड के लिए, ये रोड के लिए कोई सुंदरीकरण नहीं हुआ। राविश भी गिरा देते तो पब्लिक को बारिश के मौसम में कितना मोटरसाइकिल कूद गया इसमें, ये हुआ, ये देख लीजिए आप लोग की नज़र के सामने में है। ये आपके पंचायत में कितने पोखरी है? हमारे पंचायत में 7-8 पोखरी है। सबका यही हाल है? सबका यही हाल है, आप चल कर के देख सकते हैं, एक भी पोखरी का आज तक सुंदरीकरण नहीं हुआ है, 4-5 पोखरी का पैसा फूल के फूल उठ गया है। आप चल कर के चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं अपनी नज़र के सामने में। एक महंत पोखरी हुआ वार्ड नंबर 7 में, गुदरिया पोखर हुआ वार्ड नंबर 1 में, जिसको लोग राम पोखरी कहते हैं उसको गुदरिया पोखरी कहता है। ऐसे 10-20 जगह है जहाँ के पूरा का पूरा पैसा उठ गया, आज तक उसमें एक मिट्टी नहीं पड़ा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश कुमार राय हुआ। मुखिया जी के कार्यकाल से खुश हैं? से हम खुश नहीं है, इसलिए कि जनता खुश नहीं है तो हम खुश क्या रह करके करेंगे, कि मेरा तो पड़ोसी का भाई लगते हैं, 6 नंबर वार्ड में उनको भी घर है, 6 नंबर वार्ड में हमको भी घर है। आज तक दुश्मनी के रीजन से हमको तो नल जल के पाइप नहीं लगा, मेरा वार्ड नंबर भी दुश्मन और मुखिया जी भी दुश्मनी के कगार पे हमको नल जल का पाइप नहीं लगाए है, जिसको पाइप भी लगा है उसको खिड़की पर पाइप टंगा हुआ है। इस बार क्या करने वाले हैं चुनाव में? करना है, पूरा जनता को कहना है कि आप भैया परिवर्तन कीजिए, किसी को दे दीजिए लेकिन परिवर्तन कीजिए, तभी जब तक परिवर्तन नहीं तब तक पंचायत के कोई विकास नहीं। आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार राय। इस वक्त हमारे साथ हैं इंडियन नेवी से रिटायर्ड फुलेंद्र जी, तो चलिए इनसे जानते हैं कि इस पंचायत में क्या क्या काम हुआ है। जी बताइए। अगर मैडम देखा जाए तो इस पंचायत में काम जो है कागज पर ज्यादा हुआ है और धरातल पे कम हुआ है। जो कार्य भी हुआ है, जो भी सरकार से पैसा आया है, वो सब पैसा का बंदरबांट हुआ है। मेरे पास 42 योजनाओं का लिस्ट है, जिसका मैं ब्यौरा अगर जुटाया हूँ और लोगों के तक 200 जो हमारे ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, उनके बीच डाला हूँ, तो काम जो है कहीं नज़र नहीं आ रहा है। और जैसा कि आप गांव में घूम करके पूछ चुकी हैं कि जो मूलभूत, जो आधारभूत समस्याएं हैं लोगों का, जैसे पानी नहीं है घर में, नल जल का पानी नहीं पहुँच रहा है घर में, शौचालय नहीं है घर में, सोखता नहीं है घर में, या जो गांव में हेल्थ का जो स्वास्थ्य केंद्र बनना था उसका जो पैसा मैं आपको बताया था कि 16 लाख रुपया आया है 2019-20 में भी आया, यही पैसा 2017-18 में भी रिपीट हुआ, लेकिन आज तक शौचालय जो है स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना। उसके बावजूद मैं कुछ योजना है जो 2019-20 का है, यह है चहारदीवारी दिखाया गया है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय जो अभी हाई स्कूल है इस गाँव का एकमात्र हाई स्कूल, उसका चहारदीवारी बनाना था, 2019-20 में आया लेकिन चहारदीवारी नहीं बना, आप जा कर के वहाँ देख सकती हैं। सड़क पर मिट्टीकरण करने के लिए 1,75,000 रुपया आया था, ये किसी एक सड़क का है लेकिन वो पार्टिकुलर सड़क का नाम नहीं दिया गया। सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थल पर स्ट्रीट लाइट देने के लिए 4 लाख रुपया आया था, विधायक जी ने तो दिया था, पूरे गाँव में जहाँ जहाँ उनसे सक्षम हुआ वो दिए, अच्छा किए, लेकिन ये 4 लाख में बहुत लग रहा है कि 7 से 8 कहीं जो है वार्ड में दिया गया है। सोखता का निर्माण करना था जिसमें 3 लाख रुपया आया था, जब शौचालय ही घर में नहीं बना तो सोखता कहाँ से बनेगा। 1-7 लाख का चयन किए थे, मुखिया जी ही चयन किए थे योजना, और योजना का नाम नहीं दिया गया, उसमें 7 लाख आया, फिर दूसरा योजना में 7.5 लाख आया, फिर एक तीसरा योजना है जिसमें 7 लाख रुपया आया। जल निकासी हेतु नाले का निर्माण के लिए 5 लाख रुपया आया था, लेकिन हमारे गाँव में अभी एक भी नाला नहीं है, पानी निकलने के लिए गांव में कहीं भी नाला नहीं है। अब अगर हम चलेंगे कुआं का जो है वार्ड नंबर 7 में दलित बस्ती में सामुदायिक शौचालय का निर्माण करना था, जिसमें मात्र 3 रूम बनाया गया और उसमें 2400 घंटा ताला लगा रहता है, कोई अधिकारी आते हैं तो महिला एक है वो जाकर के खोल देती है, जैसे अधिकारी चले गए तो जा कर के बंद हो जाता है, वो आप देख सकते हैं यहाँ से मात्र 200 मीटर के दूरी पर है। इतवार आपके इस लिस्ट को देखकर लगता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीण नहीं उठा पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं मैडम, सरकारी योजना का जो पैसा है उसका बंदरबांट हो रहा है।
हमारे पास, मैं अभी भी कह रहा हूँ, 42 योजना का लिस्ट है। अगर कोई बोल रहा है कि ये काम हुआ है तो आकर के मुझे वो काम दिखा दे। मैं अभी एक हाल फिलहाल में निकाला हूँ, लखिंदर पासवान के निजी जमीन पर वर्मी कंपोस्ट। हमारे गांव में इन लोगों को पता नहीं है वर्मी कंपोस्ट होता क्या है। जैविक खाद बनाने के लिए प्लांट बनाना था, इसमें सरकार जो है अनुदान देती है, 50% जो है पैसा माफ़ कर देती है और 50% पैसा जो है उसको भुगतान करना पड़ता है किस्त के रूप में, 2 साल 3 साल जो भी लाभार्थी हैं। इस मार्च 2021 में पांचों कंपोस्ट खाद तैयार हो जाना चाहिए था, 4.5 रुपये किलो बिकना चाहिए था, लेकिन अभी तक आप पता कीजिए, मैं नाम बता देता हूँ, लखिंदर पासवान के निजी ज़मीन पर वर्मी कंपोस्ट, राम सागर पाल के निजी ज़मीन पर, वरुण सिंह के निजी ज़मीन पर, वैद्यनाथ महतो के निजी ज़मीन पर, निशा देवी के निजी ज़मीन पर। लेकिन आप जा कर के पाँचों आदमी से पूछिए या कहिए कि हमको दिखा दीजिए कि कहाँ वर्मी कंपोस्ट बनाए, प्लांट बना ही नहीं। 2 पोखर है हमारे गांव में जो उराही का काम, मिट्टी बेच लिया खेत वाला और उसका उस पर सरकारी फंड जो है 1,42,000 रुपया जो है एक पोखर पे, इसमें नाम है प्रमोद राय और देवेंद्र राय। आप फाइंड आउट कर लीजिए कि ये पोखर है कहाँ। और बताते हैं आपको, यहाँ तो आदमी छोड़ दीजिए, भगवान के नाम पर भी राजनीति हुई है। यहाँ से अगर आप जाएंगे बसी चौक के निकट तो कब्रिस्तान है, वहाँ पर बाउंड्री का मरम्मत और मिट्टी भराई के लिए 2,02,300 रुपया उठा लिया गया। लेकिन इन लोगों से पूछिए कि वहाँ बना क्या, नहीं बना। आप अपनी समस्याओं को लेकर कभी मुखिया जी के पास गए हैं, दिखाएं उनको ये लिस्ट। मैं 200 अजंता को और पूरे वार्ड में मैं दिखा चुका हूँ, कह चुका हूँ। उनका कहना है कि ये तो बाहर रहता है, इसको गाँव का तो अनुभव ही नहीं है। तो मैडम, मैं इंग्लैंड में पैदा नहीं हुआ, मैं इसी हरपुर भिंडी पंचायत में पैदा हुआ और यहीं पे मैंने अपना बचपन बिताया और भिंडी स्कूल और बसी स्कूल दोनों स्कूल में पढ़ा। और आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि मैं 8 देश का भ्रमण किया और भारत के हर कोना में हर मेट्रोपॉलिटन सिटी का मैंने दौरा किया और रहा। मुझे तजुर्बे की बात है तो मेरे से ज़्यादा तजुर्बा इस गाँव में किसी के पास नहीं होगा, देश से लेकर विदेश तक और गांव से लेकर के मेट्रोपॉलिटन सिटी तक मैं घुमा हूं और मेरी फैमिली वहां रही है, मेरा बच्चा पढ़ा लिखा है, तो शायद इससे ज्यादा तो किसी के पास अनुभव नहीं होगा। इस बार चुनाव में परिवर्तन चाहते हैं? 100% परिवर्तन होगा, जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है, परिवर्तन होगा। आपकी नजर में, आपके हिसाब से मुखिया जी ने इन 5 सालों में कुछ भी नहीं किया? मेरे नजर में नहीं है, जनता के नजर में है। अगर जनता है, आपके बीच भी 50 जनता है, आप पूछ लीजिए काम हुआ है क्या। आवास नहीं मिला लोगों को, जो गरीब लोग थे उनको आवास नहीं मिला। आपके पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता कि यहाँ पर निरीह गरीब जिसको भरण पोषण करने के लिए पैसा नहीं है तो घर कहाँ से बनाएगा, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है तो घर कहाँ से बनाएगा। आवास योजना जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना किसको दिया जाता है, जिनके घर में 2 चक्का नहीं हो, 4 चक्का नहीं हो, नौकरी नहीं हो, जो बनाने में समर्थ नहीं हो, गरीब हो, जिनके पास जमीन नहीं हो। लेकिन आज मैं प्रूफ के साथ कह सकता हूं कि उन लोगों को घर मिला जिनके पास घर बनाने के क्षमता थी, 5 बीघा जमीन है, नौकरी में है, मैं वो प्रूफ के साथ कह सकता हूं। आप चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं कि आपको इतना पता है गांव के बारे में, तो आपको लगता है आप ये इस पद को संभाल पाएंगे? मैडम, चुनाव मेरे लिए चुनौती है, चुनाव मेरे लिए जरूरी नहीं, मजबूरी है। और मैं पूरे जनता को कहता हूं कि उसी को चुने जो सबकी सुने। यहाँ पे लोग जो हैं अपना जो है ध्यान दे चुके हैं कि परिवर्तन होगा। और जहाँ तक सवाल है मेरा, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी वाइफ इस बार मुखिया का चुनाव लड़ेगी और मैं जनता के बीच आया हूँ विकास के लेकर के और गांव को आदर्श पंचायत में कन्वर्ट करने के लिए, और मैं करके रहूँगा। पूरी ईमानदारी और निष्ठा से मैंने देश की सेवा किया है और मैं इस गाँव का भी सेवा करूँगा। मैं मुखिया बनूं ना बनूं वो तो बाद की बात है, लेकिन अगला जो भी मुखिया आएगा उसका काम आसान नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे इंडियन नेवी रिटायर्ड फुलेंद्र जी, जिन्होंने पंचायत से रिलेटेड बहुत सी बातें रखी। इनकी बातों में आपको दर्द दिखा होगा, तो चलिए अभी और लोगों से भी बातें करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास कुमार शर्मा हुआ। आपकी क्या समस्याएं हैं? मेरा समस्या यह है कि मैं इस जनता को पूरे ये हरपुर भिंडी का मैंने भ्रमण किया है और भ्रमण करते हुए मैं यहाँ का प्रतिनिधि भी रह चुका हूँ, मैंने चुनाव भी लड़े हैं पंचायत समिति का, जिसमें हम यहाँ जीत भी गए थे, लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि ने हमको उल्टा फेर करके हमको हरा भी दिए।
लेकिन जनता के बीच में अभी भी हैं मौजूद। और ये भी कहना चाहते हैं कि जो भी सड़क है, नली है, गली है, अभी देखिए यहाँ पंडित जी का टोला है और पंडित जी का टोला 400 वर्षों से यहाँ है, लेकिन यहाँ भी एक भी जो है पक्का का मकान आपको नज़र नहीं आएगा। सब भी जो है देखिए झोपड़ी है, कल नहीं है, नल नहीं है, लाइट भी नहीं लगा है। लाइट लगाने के लिए यहाँ पर मुखिया को जो है सूचित भी किया गया है, ठीक है, सूचित किया गया है कि सभी जगह पर लाइट लगवा दीजिए। लाइट देखिए अभी यहाँ की जनता से पूछिए, हजारों जनता आपको हरपुर भिंडी में बता देंगे कि कितने यहाँ पर लाइट लगा है, नहीं लगा है, कल है, लगा है कि नल लगा है कि नहीं लगा है, सबका देखिएगा। तो झोपड़ी में जो है पाइप लटका हुआ है और यहाँ पर भी पोल भी नहीं है, और जिसका भी इंदिरा आवास का भी पैसा जो मिलना था उससे भी 20-20 हज़ार और 30-30 हज़ार रुपया भी लिया गया है घूस पे, तब पर भी अगर वो घूस नहीं देती है तो उसका घर का पैसा रोक दिया जाता है। और इस चीज़ के संतुष्ट होने के लिए आप जनता से पूछ सकते हैं, और हम भी एक यहाँ का जनता होते हुए मैं प्रतिनिधि के रूप में हूँ यहाँ। आप इन समस्याओं को लेकर मुखिया जी के पास गए हैं, क्या रिस्पॉन्स रहा उनका? हमको तो उसी दिन से 5 साल से जो है मुखिया जी से हम नहीं मिलते हैं। क्यों हमको उससे जलन है? क्योंकि यहाँ जो है हमको हराया गया था, उसी समय से हम क्यों दरवाजे पर नहीं जाते हैं। और हमको एक बार और बोला गया था कि राजनीति करता है तो थोड़ा ठीक से करो, तो उसी समय हम उनसे भी कुछ माने कि बातचीत हो गई थी और उसी दिन से हम उनसे बात नहीं करते और इस समस्या को लेकर नहीं जानते, जनता से सिर्फ हम पूछते हैं। मुखिया जी बहुत दबंग है, अपनी मन की करते हैं, जनता की नहीं सुनते हैं। दबंगी तो देखिए जनता को जो है रातें रात जो है पैसा दे देना, जगह जगह पर जो है वोट खरीदना, ये सब जो है यहाँ पर चमचा लोग जाता है और वोट को खरीद लेता है। ऐसा कह के हरपुर भिंडी में जंगल राज चल रहा है? जंगल राज तो है ही, अभी देखिए तो पूरा जंगल ही राज है। देखिए सड़क नहीं है, नाली नहीं है, जाने का रास्ता देखिए, जब बारिश होती है ना तो इन लोगों को जाने में जो है पिछिल कादो सब हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, और यहाँ पर जो है समस्या बहुत ही है। देखिएगा जनता से आप एक एक जगह मिलिए, RTPS काउंटर होना था, RTPS काउंटर नहीं है। यहाँ के लोग प्रखंड पे जाते हैं तो जाति आवास ऑनलाइन करते हैं। राशन कार्ड का कितना बार यहाँ जो है फॉर्म भराया गया लेकिन राशन कार्ड अभी तक बन के नहीं आया, और जिस समय चुनाव का माहौल आता है तभी राशन कार्ड बटना शुरू हो जाता है, और सभी को कहता आधार कार्ड लेके आओ तो ये लेके आओ, और सभी को जो है राशन मिलेगा, ये मिलेगा, ये अभी तक जो है जनता संतुष्ट यहाँ राशन कार्ड से भी नहीं है। और यहाँ पूछ लीजिए जनता लोग से, जनता लोग और भी यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे बातें करते हैं, जानते हैं उनकी समस्याएं। जी तो आप में से कौन, क्या समस्या बताना चाहेंगे? हमें घर न मिला है, 500 रुपये लिए हैं बाकी घर नहीं दिया है, अभी न घर दिया है, न रोड है, न नल का पानी है, न रोड है, न पानी है, न घर है। तो इस बार ये वाले मुखिया जी को वोट नहीं देना है? नहीं देना, नहीं देना। जी तो आपने देखा महिलाएं भी बहुत क्रोधित हैं। राशन कार्ड है हम लोग के पास, तो राशन कार्ड भी नहीं है, मतलब जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो हरपुर भिंडी में नहीं है। तो मुझे लगता है जी खेत खेत बउआ ना जाता गाड़ी सुनेगा, इस गांव में शौचालय नहीं है जो सबसे मूलभूत आवश्यकता है, तो मुखिया जी को इस पर गौर करना चाहिए। वो उसके पास हम जाते हैं ना तो कहता जाओ रामसुदीन के पास, फलना के चिल्ला के पास जाओ। मुखिया आप तो आप किसके पास जाएंगे? मुखिया अगर जनता से कोई लेना देना नहीं, वो जनता की बात नहीं सुनते हैं, नहीं पहचानते हैं, चलती है उसको बहुत ना। हमको देखिए हम सब भाई, 5 भाई है ना, हमको राशन कार्ड है 5 साल से कहे मुखिया जी पैसा नहीं मिलेगा, जाओ रामसुदीन के पास। रामसुदीन? हाँ रामसुदीन वही है मुखिया प्रतिनिधि है। तो हम तो कहलिए दूगो घर के पाई ले के 1000 रुपया आ नहीं दिल के बात मिलेगा तो नहीं मिलेगा से बोलते हैं मुखिया, मुखिया बोलते हैं 12,000 घूस लिए हैं, 20,000 कर्मचारी लिए हैं, मुखिया घूस लिए हैं तो हमको दिए हैं तो नहीं दिए हैं। किस चीज का घूस लिए? घर के घूस लिए हैं। हाँ इंदिरा आवास के तब बना नहीं है ना, तब अपना पैसा से बनाए हैं। कितने पैसे हम लोग कमाते न कल है न कुछ भी, घर क्या लिए हैं 20,000 कर्मचारी लिए हैं। घर बना हुआ है,
तो आप देख सकते हैं कि महिलाओं के बीच कितना गुस्सा है। शौचालय नहीं है यहाँ महिलाओं के लिए, आवास नहीं है, नल जल योजना बस नाम का है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, सड़क नहीं है। तो मुखिया जी जरा गौर करिए अपने पंचायत पे। तो ये था हरपुर भिंडी पंचायत के लोगों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने अपना दर्द बयां किया जो आपने देखा। मेरी बात मुखिया पति से भी हुई और उनके सामने जनता शायद डर से नहीं बोल पा रहे थे, उनके दबंगई से नहीं बोल पा रहे थे, और उनके जाते ही आपने देखा कि लोग अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। तो ये था पंचायत रिपोर्ट कार्ड में हरपुर भिंडी पंचायत की बातें, यहाँ के लोगों का दर्द। अगली बार किसी और पंचायत के साथ आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। कहते हैं चुनाव लड़ते समय प्रत्याशी जनता को भगवान मानती है और जितना वादा हो सभी को पूरा करने का कसम खाते हैं, जीतने के बाद सब कुछ भूलकर अपने आप को राजा समझ बैठते हैं। हरपुर भिंडी पंचायत में क्या विकास किया मुखिया ने, आपने जनता से सुन ही लिया। वैसे सच्चाई से अवगत कराना हमारा फर्ज है, बाकी आपके हाथों में है। हमारा यह कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है जरूर बताएं। अगले कार्यक्रम में आपके पंचायत की हकीकत बताऊंगी, तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।